अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद रब्बना अलैक तवक्कलना व इलैक अनबना व इलैकुल मसीर। एंड द टाइम वी आर गैदरिंग हियर, हु ऑल वर देयर लास्ट टाइम व्हेन वी हैड अ डिस्कशन, प्लीज रेज योर हैंड्स। लास्ट टाइम हम जब क्लास लिए थे कितने लोग थे? माशाल्लाह, ठीक, ओके, फाइन, थैंक यू। सो प्लीज रिमाइंड मी आफ्टर हाफ एन आवर Mansoor, after half an hour, please remind me. Okay, I have half hour with you. I want to tell you something about our goal setting. हमें ज़िंदगी में कैसे गोल बना सकते हैं? गोल तो चाहिए ना हर एक आदमी का। I want to ask you to do one thing. आपको एक काम करना है पहले। काम ऐसे, पेन पेपर सब रेडी है ना आपके पास? सारा मोबाइल पॉकेट में रखिए प्लीज। पेन पेपर रेडी है सबके पास? नहीं, प्लीज टेक योर पेन एंड पेपर। न्यूज़पेपर सब लोग पढ़ते हैं? फेसबुक में पढ़ते हैं और सब कुछ पढ़ते हैं। कोई किसी का इंतकाल हुआ, इफ समबडी डाइज, वी रीड द रिपोर्ट ऑफ देयर डेथ, स्पेशली इफ दे आर सम नोटेड पीपल, कोई इम्पोर्टेंट फेमस पीपल है या कोई क्रिमिनल है, तो उनके बारे में ख़ास न्यूज़पेपर में आता है, उसका डेथ रिपोर्ट आता है। आई वांट यू टू राइट योर डेथ रिपोर्ट इन द न्यूज़पेपर और इन द फेसबुक, प्लीज़। यू गॉट मी? आपको आपका डेथ रिपोर्ट लिखना है आपका न्यूज़पेपर में हो, आपका फ्रेंड या आपका कोई दोस्त या आपका स्टूडेंट कोई भी हो, आपके इंतकाल के बारे में न्यूज़पेपर में रिपोर्ट देगा या क्या है, फेसबुक में लिखेगा या ट्विटर में ट्वीट करेगा, तो क्या लिखेगा और आपके बारे में? आप लिखिए। मरना है ना तो हर आदमी को। वी ऑल नीड टू डाई। वी आर नॉट परमानेंट हियर। So you are going to write your death report in the newspaper, or some of your friends have written it on the Facebook. Facebook पर किसी ने लिख देखते हैं ना हर दिन हम, किसी फ्रेंड ने अपने फ्रेंड के मौत के बारे में लिखे हैं, तो क्या लिखता है? आपके बारे में क्या लिखेंगे लोग? आप लिखिए ज़रा, दो मिनट में, प्लीज़ थिंक अबाउट इट। I'm very serious, please. About I need. You can keep this stand aside. नहीं आ रहा है कुछ? अच्छा, please. Imagine how other people will think about you after you have died. कैसे दूसरे लोग आपके बारे में सोचेंगे आपके मौत के बाद, क्या सोचेंगे? नहीं मिल रहा, कभी तो सोचना पड़ता है ना। मेरा जन्मदिन था नवंबर 5 में, तो जब मेरे बच्चे मेरे को कुछ इनाम दिया तो मैं उनके सामने ये बताया, इफ़ यू सेलिब्रेट योर बर्थडे दैट यू नीड टू रिमाइंड दैट यू हैव ऑलरेडी एक्सॉस्टेड 1 ईयर इन योर लाइफ एंड यू हैव रीच्ड 1 ईयर क्लोजर टू योर डेथ। जल का एक और साल सामने पड़ा है ना, ये इसका मतलब है आपका जन्मदिन है, मतलब एक साल और आपने गुजरा है, एक साल और आपका नियर पहुँचे हैं, माउथ का नियर पहुँचे हैं, तो थिंक अबाउट, मे बी आई मे नॉट बी रीचिंग होम इफ अल्लाह डिजायर्स, बट आई प्रे दैट आई शुड रीच होम। किसी को तो पढ़ना भी होगा। कितने लोग लिखे हैं अपना माउथ रिपोर्ट? ओके, गुड। उसमें क्या क्या होता है ना, कल फेमस पत्रकार और फेमस IAS ऑफिसर और
ऐसे भी होता है और मशहूर क्रिमिनल भी होता है। वो इतना बुक्स लिखे हैं, इतने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, इतने ये सब होता है ना। किसी के मौत के बारे में जब रिपोर्ट लिखता है, कोई पढ़ना चाहता है अपना मौत रिपोर्ट? ठीक है, मैं सिर्फ आपको, अब अगर कोई प्लीज पढ़ना चाहते हैं प्लीज। हाँ हाँ Today, India lost one of its iconic bureaucrats, a research fellow. He was one of the greatest bureaucrats India ever had. He was the chief secretary of India since 2013 to 35. He made a significant difference in our society. Good. So, okay, good. Anybody else? Anybody else? I'm very happy to hear. Anybody else want to read for me? Sir, I wrote about my friend. Yeah, yeah. Sir, I have a good friend. No, I wanted you to write about you. I wrote about my friend. I want you to think about your goal. This is the first thought. This should be the first thought when we think about our goal in the life. How others will be remembering you. What legacy you have set in on the earth. How you have utilized your life given by Allah the Almighty. La yazillu La tazillu qadama ibn Adam hatta yus'ala an umrihi wa an malihi. चार चीज़ों पे खुदा पूछेगा, उसके पहले आपको कदम एक आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। आखिरत में आपको उम्र दिया गया है, आप कैसे उसको बिता है, आपका टाइम कैसे बीते हैं, आपका माल कैसे बीते हैं, आपका सेहत को कैसे आपने गुजारे। तो वी विल बी आस्क्ड अबाउट आवर टाइम। वी सेट दिस प्रोग्राम एट 11 o'clock एंड मी एंड आबिदीन वॉज देर, हुजूर वॉज देर, स्पीकर्स वर देर। देन हम मुसलमान आखिरी बस पकड़ते हैं, सिर्फ एक चीज़ हम टाइम पे करता है, पता है कौन करता है हम टाइम पे? विच थिंग दैट वी डू इन टाइम? अफ्तारी, अफ्तारी तो टाइम पे करता है, बाकी कोई चीज़ टाइम पे नहीं करता। सो आई हैव लॉस्ट 1.5 hours बिकॉज वी थॉट वी विल स्टार्ट एट 11 o'clock। ही लॉस्ट 1.5 hour, मैनी ऑफ यू लॉस्ट 1.5 hour। वाई? वी डोंट हैव अ क्लियर कट प्लान। इट्स द गोल सेटिंग डजंट मीन दैट यू नीड अ लाइफ गोल, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। Every day, for every program, for everything, you need a goal. If I am going to take a class today in my, I am going to a period in my school, I'm teaching physics, for example, or I teach language, for example. So I have a whole year with me, so I'll take it lightly. I have a monthly plan. So still I will take it lightly. I have a weekly plan. Still I will take it lightly. I should have a period to period plan. Then I should have a goal. I should have an objective. That मैं एक दिन, today when I go to class, इस दिन मैं जब क्लास में जाऊँगा तो मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा इस 45 minutes में, मैं क्या करूँगा। I have a plan when I stand here. I have a plan within next 30 minutes. I was given hour, then my dear friend Abidin was compelled to limit the time because we were already late. So I'm within next 30 minutes I have a goal that I should tell you about goal setting. I should at least inspire you, motivate you to have a goal for the life, for the things that we do, to set a goal for everything. So everything, every day we need to think about what I should achieve this day. अब नया खाना खाते हैं, नया सांस लेते हैं, नया ज़मीन में, मतलब ज़मीन में नया होते थे। सुबह तो आपको खुद लग रहा है ना, नया एक दिन आया है, पिछले दिन का नहीं है, बहुत शांत है, बहुत अच्छा हवा है। तो यू गेट एवरी थिंग अन्यू। पिंदा चावल तो खाते होंगे, पिंदा चावल बोलते हैं ना, पुराना खाना, कल का चावल आज पानी में डाल कर खाते हैं, नहीं खाते हैं?
पंदा चावल, हाँ पंदा चावल, किसी बिहार में पिंदा चावल, सुरजापुरी लोग पिंदा चावल बोलते हैं, पंदा चावल खाते हैं। तो वो चीज़ें सिर्फ हम जो पुराना खाते हैं, बाकी सब कोई पुराना चीज़ हम नहीं खाते हैं, वो भी मतलब कल का खाना भी नहीं खाते हैं, आज सब नए हैं। तो वी शुड हैव अ गोल फॉर द डे एंड वी शुड थिंक अबाउट इट। इफ यू स्पेंड एटलीस्ट 1 मिनट दैट व्हाट आई शुड डू, व्हाई आई शुड डू, हाउ आई शुड डू इट, व्हाई, व्हाट, हाउ एंड व्हेन, व्हेन आई शुड डू दैट। If you have these 4 specific questions, then this is important to be asked to yourself. You need to ask to yourself these 4 questions about everything, for the daily plan, for the weekly plan, for the monthly plan, for the yearly plan, for the lifelong plan. The how, why question is your motivation. Why you should be, why he should be the one of the best IAS officer in the world. That is his motivation, why we should do it. I'm going to Banganur, I'm going to the office, I'm going to this the secret of success seminar. So why should be there? If you don't have that motivation, आपके अंदर अगर वो motivation नहीं है तो आप नहीं करेंगे, वो जोर से नहीं करेंगे। जिस पे आप motivated नहीं है तो वो नहीं करना चाहिए, क्यों आप अधूरा, वो you will not be doing it in perfectly. Even for salah you should have that motivation. Liability कभी नहीं समझना है, जिम्मेदारी कभी नहीं समझना है, यू शुड लव इट। दोज पर्सन हु डज थिंग्स बाय लव एंड दोज पर्सन्स हु डू थिंग्स बाय कंपल्शन, देयर आर बिग डिफरेंसेस। ओ जाना है, हुजूर ने बुलाया है तो कैसे नहीं जाएंगे, तो आप वही, आपका पूरा अपीयरेंस अलग होगा, पूरा एटीट्यूड अलग होगा। आप, मैं जब क्लास लूंगा आप ठीक से नहीं सुनेंगे, आपको नींद आएगा, आप वैसे मुझे दिखाएगा, आप बस बस करो, क्या कितना बकवास फेंकोगे। यू शुड बी आस्किंग थिंग्स, यू विल नॉट बी आस्किंग डायरेक्टली बट यू विल विथ योर एक्शंस एंड यू विल बी शोइंग दैट। बट इफ यू डू इट बाय लव, लोग 4 बजे जग के वो यूरोपियन लीग देखते हैं, रियल मैड्रिड बार्सिलोना मैच देखते हैं 4 बजे उठ के, जो 6 बजे भी नमाज नहीं पढ़ते हैं सुबह का कभी। मम्मी कितने बार भी बुलाए हम सुबह का नहीं उठते हैं, लेकिन किस कोई आदमी हम नहीं जगाएंगे अगर रियल मैड्रिड बार्सिलोना का यूरोपियन लीग या इंडिया पाकिस्तान मैच आप देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे, कितने भी टाइम हो जाए आप देखेंगे। तो यही है, इफ यू डू इट बाय लव दैट इज योर मोटिवेशन। And it is one of the best thing that you, if you reach where you love, if you do things that you love, and you will be doing it with heart, you will be successful in doing that. So why is your motivation? The what should be defined. What you are going to do? What you are going to do? ये इसके बारे में आपको ठीक समझना है। इसीलिए जब goal setting के बारे में लोग बोलते हैं, गोल सेटिंग, गोल्स शुड बी स्मार्ट, योर गोल्स शुड बी स्मार्ट, यू शुड हैव स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, स्पेसिफिक को क्या बनना चाहते हैं, कुछ तो बनना है, स्पेसिफिक नहीं है। Your goal should be specific. वो दिन का goal भी वैसे होना है, should have specific goals. I should do this, the specific things, that clear cut आपके जो define करके आपको बनना है। तो उसके लिए आपको कुछ अचीव करना है जिंदगी में, करियर में, आपको फाइनेंस पे, आपके घर के बारे में, आपको फैमिली के बारे में, आपको काम के बारे में, किसी भी चीज़ में आपको स्पेसिफिक सोच होना चाहिए। उस स्पेसिफिक सोच होने में आपको कुछ टाइम उस पर बीतना होगा, जानकारी लेना होगा, लोग किसके बारे में समझना होगा, आपको पत्रकार बनना है तो कैसे बनेंगे,
क्यों बनना है, ये सब आपके अंदर वो स्पेसिफिक गोल आपको बनाने में, बाकी सर ये क्वेश्चंस आपको बहुत कुछ मदद करेंगे. व्हेन एंड व्हाट, व्हेन हाउ क्वेश्चंस जब आप पूछेंगे. इसको बोलते हैं मेशरेबल, जो आप लोगों को देख सकते हैं. मैं, मेरा एग्जाम है 80% मार्क में, आई अर्न 80% ऑफ मार्क इन द एग्जाम. दैट इज अ मेशरेबल थिंग, मीन्स यू कैन, आपको नाप सकते हैं, आपको देख सकते हैं कैसे कितना आप. मुझे बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम पास होना है, मुझे एक अच्छा एंगर बनना है. यू कैन मेजर इट, व्हेन यू रीच इट यू कैन मेजर इट. मुझे हिंदुस्तान का सबसे अच्छा कंपनी में काम करना है, मुझे एक स्टार्टअप शुरू करना है, एक स्टार्टअप, आई सेटअप माई ओन कंपनी. मुझे एक अच्छा किसान बनना है, मतलब हाईली प्रोडक्टिव किसान बनना है. दैट शुड बी वन ऑफ द प्लान. मुझे एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है. सो देर कम्स द क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसमैन, इन विच फील्ड. तो ये मेजरेबल होना है, अटेनेबल होना है. आप अटेनेबल इसको बोलते हैं, और अचीवेबल. ओके, आप, मुझे अमेरिकन प्रेसिडेंट बनना है, नहीं बन सकते हैं. मेरे को अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, आई एम नॉट एन अमेरिकन. तो आई कैन नॉट बी एन अमेरिकन प्रेसिडेंट. फॉर एग्जांपल, आई कैन नॉट बिकम अ पायलट बिकॉज आई डू हैव आईसाइट प्रॉब्लम्स. सो इट्स नॉट अचीवेबल फॉर मी, बट आई कैन बिकम अ पायलट. देर आर, इफ आई, अगर हम, मैं किसी चीज के बारे में, मेरे को एक कॉमर्शियल पायलट नहीं चला सकते, लेकिन अपना हेलीकॉप्टर चला सकता हूँ. क्योंकि बहुत लोग हैं जो डिजेबल्ड है, वो भी हेलीकॉप्टर वगैरह अपना खुद प्लेन चलाते हैं. दुनिया में बहुत सारे मोटिवेशनल स्टोरीज है, इफ यू फाइंड, यू कैन फाइंड मैनी थिंग्स लाइक दैट. यू आर विथ मी, आप मेरे साथ हैं. मेरे पास दोनों, दो जुबान में मैं बोलना कोशिश करता हूँ, हिंदी या उर्दू में या इंग्लिश में, दोनों जुबान में पढ़ के बोल रहा हूँ, इसीलिए गलतियाँ बहुत होंगी. मैं अगले जुबान नहीं है दोनों जुबान का. ठीक है ना. तो दिस इज मीन्स रेलेवेंट. रेलेवेंट का मतलब जो आपका, इसमें जो दो मतलब होते हैं, अटेनेबल है और रेलेवेंट है. जो काम के लिए आपका टारगेट, आप जो करते हैं, आपको मिसाल के तौर पर आपको किसान बनना है, तो किसान, एक परफेक्ट किसान बनना है, एक मॉडर्न एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरिस्ट बनना है, तो उसके लिए आप जो काम करेंगे उसको, वो वहाँ तक आपको पहुँचाने वाले चीज़ करना है. आपको यूपीएससी का ट्रेनिंग करना है, तो उसके लिए वो आपका यूपीएससी का है, वो आपका जॉब के लिए, आप जो भी काम करेंगे वो आपका लाइफ टाइम के लिए, उसका रेलेवेंट काम उसको, उसके साथ आप करते रहेंगे. और वो प्लान आपका टाइम बाउंड होना है. सो योर गोल शुड बी स्मार्ट. यू ऑल शुड हैव स्मार्ट गोल्स इन द लाइफ. टाइम बाउंड, किसी टाइम में आपको उस तक पहुंचना है. अगर आप यूपीएससी ट्रेन कर, यूपीएससी में आप ट्रेनिंग करते हैं, यू आर ट्रेनिंग फॉर यूपीएससी, यू नो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो डीएम निकलते हैं जहाँ से. यूपीएससी मतलब सिर्फ डीएम का एग्ज़ाम में नहीं है, 30+ एडमिनिस्ट्रेटिव, इट इज़ द टॉप लेयर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इन इंडिया, टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इन इंडिया. देर आर पीपल आर कमिंग, IAS ऑफिसर्स बनता है, IPS ऑफिसर्स बनते हैं, इंडियन पब्लिक सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, IFS बनते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस, जो एम्बेसडर्स वगैरह बनते हैं, IES बनते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में. IAS के लिए अलग भी एक एग्ज़ाम होता है. इंडियन रेलवे सर्विस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, बहुत सारे हैं. मतलब 30 से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में हर साल 500 से लेकर 2000 तक लोगों को हर साल चुनते हैं. थ्री लेयर एग्जाम है, प्रिलिमिनरी एग्जाम इज देयर, मेंस एग्जाम इज देयर, इंटरव्यू इज देयर. तो अटेनेबल, तो आपको बन सकते हैं. तो उसके लिए आपको सोचना है कैसे, हाउ दिस क्वेश्चन इज
इम्पॉर्टेंट देन हाउ वो चीज़ जब हम चाहते हैं आपको मेडिकल आपको डॉक्टर बनना है किसी भी स्कूल में जाके आप बच्चों से पूछते हैं सिर्फ वो जानते हैं मुझे डॉक्टर बनना है हाउ दे डोंट नो हाउ टू बिकम अ डॉक्टर मैं पिछले बार भी मैं आप लोगों से बात करते थे ये इसके बारे में हम ज़रूर जानना है और लोगों से बताते रहना आप लोग जब इसके बारे में सुनेंगे बाकी लोगों से भी पूछते रहना आप क्या बनने चाहते हैं तो उसको रियलिस्टिक प्लान बना के देना है आप यूपीएससी ट्रेन या बीपीएससी ट्राई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपके पास डिग्री होना है तो डिग्री के साथ आपको क्या स्किल चाहिए कितना आपका नॉलेज चाहिए कितना एफर्ट आपको लेना है स्किल नॉलेज एफर्ट एंड विथ ऑल पीपल विथ व्हाट शुड अचीवमेंट्स यू शुड हैव बिफोर दैट हाउ मच टाइम यू शुड टेक तो सिर्फ डिग्री से आपको यूपीएससी ट्राई कर सकते हैं तो लोग ऐसे हैं यूपीएससी के लिए दिल्ली जाते हैं या मुंबई जाते हैं हैदराबाद जाते हैं या कलकत्ता में ही टाइम बीते हैं 5 साल आपको 30 अगर मुसलमान है तो 37 ईयर ओल्ड तक यू हैव 9 बार आपको अटेम्प्ट कर सकते हैं और 37 ईयर ओल्ड तक आपको अटेम्प्ट कर सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम यह है वी शुड हैव अ रियलिस्टिक ऑप्शंस आपको यूपीएससी ट्रेन करना आपको 21 साल में आपको आईएपीएस आईएएस बन सकते हैं इंडिया में आप जानते हैं 15-16 साल में लोग 10th फिनिश करते हैं 17-18 साल में 12th फिनिश करते हैं और 21 में डिग्री करते हैं और उसी 21 साल में अगर आप पूरा उस साल में आप यूपीएससी आते हैं तो आपको इंडिया में आईएएस बन सकते हैं हसन नाम में जो गुजरात में आईएएस ऑफिसर है जो आईपीएस बने हैं 21 साल में वो इंडिया में रिकॉर्ड है आपका मोहसिन शेख कुछ किसी नाम में बंगाल में एक आदमी है जो वो भी आईएएस बने थे बहुत कम उम्र में 21 और 22 ईयर ओल्ड ही वाज देन सो लोग क्या करते हैं टाइम बाउंड नहीं तो आप पूरे 9 बार आप ट्राई करेंगे लोग क्या होता है डिग्री के साथ यूपीएससी के लिए ट्रेनिंग करते रहते हैं लेकिन और 9 साल वो ट्रेनिंग किया हर आदमी को नहीं मिलता है 15 लाख लोग एग्जाम लिखते हैं प्रिलिमिनरी उसमें 1/3 आदमी को नहीं उसमें जितना पोस्ट है उसका 6 या 7 फोल्ड आदमी को सिर्फ मेंस में लेते हैं तो इतना लोग उससे बाहर हो जाते हैं तो अगर आप टाइम बाउंड नहीं है तो उसी में रह जाते हैं आप कहीं और नहीं पहुंचे यू कैनॉट रीच एनीवेयर एल्स दैट इज द प्रॉब्लम इफ यू डोंट हैव अ टाइम बाउंड गोल सेटिंग सो अभी इस इधर हम बैठे हैं तो इसके पास हमें एक इसके बाद इसके साथ हम हमारे ज़िंदगी में गोल सेटिंग करना है अगर जो आप जो भी काम अभी कर रहे हो गोल सेटिंग का सिर्फ ये मतलब नहीं है हम जो करियर बनाना है जहाँ तक पढ़ना है वो नहीं है हमारे ज़िंदगी में अगर हम 1 साल और जिएंगे इस महीने हमारे पास वी शुड हैव अ गोल इस साल के लिए हमारे एक गोल होना है क्योंकि हर दिन हम नया खाना खा रहे हैं नया सांस ले रहे हैं नया ज़िंदगी गुजर रहे हैं और इस साल के तरह अगले साल नहीं होना है अगर आप मस्जिद का इमाम है आप उस विलेज के जिम्मेदार आदमी हैं तो पिछले साल अगर मस्जिद के इमाम है तो उस गांवों का कम से कम उस गांवों का पूरे लोगों का एक इस्लामी ज़िंदगी को बढ़ाना अच्छा करना इस्लामी नॉलेज उसको ज़्यादा देना ये आपका ज़िम्मेदारी है हर एक आदमी के ज़िंदगी में इस्लाम लाना मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ आप 5 वक्त नमाज पढ़े वो नहीं है इस साल अगर मेरे पास सिर्फ 5 आदमी नमाज पढ़ रहे हैं मिनिमम 10 आदमी तो अगले साल होना है ये आपका एक आइडिया एक टारगेट होना है तो देर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग टारगेट यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग टारगेट इफ यू आर अ शॉपकीपर इफ यू आर अ सेल्समैन इफ यू आर डूइंग समथिंग इफ यू आर अ टीचर एवरीबडी शुड हैव अ गोल इन देयर लाइफ to something to set a target something some targets to achieve tabhi hame motivation milega aage jane ka ye to you can measure that you have changed you have achieved something nahi to hamari zindagi wahi reh jayega hum koi naya nahi karenge zindagi mein koi maza bhi nahi aayega khuda ko koi jawab dene ko kuch jawab bhi nahi hamare paas rahega to goal matlab dream nahi hai dream jo hota hai dream nahi hai
ड्रीम और गोल के बीच में, ड्रीम हमारे बहुत ड्रीम देते हैं, डे ड्रीमिंग वही एक क्या होता है, एक साइकोलॉजिकली इट्स अ डिसीज एज वेल, बहुत ड्रीम देखते हैं ना, इससे बैठ कर बहुत मज़ा आता है। हम हिंदुस्तान के लिए खेलते हैं, पांचों पूरे अच्छे गेंद में हम पूरे अच्छे छक्का मारे हैं और चौका मारे हैं, बहुत बहुत मज़ा आता है, बहुत मालदार बने हैं, पूरा जितना अंबानी के पास है वो सब हम खरीदे हैं, बैठ के देखें बहुत मज़ा आता है। इट्स अ साइकोलॉजिकल डिफेक्ट, बहुत मज़ा आता है। इसको मनोराज्य जो इसको बोलते हैं, माया में हम पढ़ते हैं, तो ये ड्रीम होता है। यू शुड हैव ड्रीम्स, बट दैट ड्रीम शुड बी प्रैग्मैटिक, प्रैक्टिकल, एंड इट शुड बी अ गोल, एंड द डिफरेंस इज एक्शन, यू नीड टू टेक द एक्शन, दैट इज व्हाट वी कॉल एक्शन प्लान। आपको एक गोल है, अभी आप जहां रहते हैं, अभी आपको इधर आने का मौका मिला, आप सारे लोग इधर आए हैं, आप आबिदीन सर का इस क्लास में आप पहुंचे, तो यू शुड हैव अ गोल दैट इट्स अ इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, सो यू शुड हैव अ टारगेट ऑफ, फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी से लेकर एक महीने बाद, दो महीने बाद, तीन महीने बाद, जहां आप अभी हैं वहीं रह जाएंगे तो दिक्कत है। तो आप यू शुड सेट योर गोल्स, यू शुड इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल, यू शुड लर्न वर्ड्स, एटलीस्ट इफ आई लर्न टूडे आई ईट फॉर एग्जाम्पल, टुमोरो आई शुड से आई ईट एप्पल, द नेक्स्ट डे आई शुड से आई ईट एप्पल विथ माई फादर, आई ईट एप्पल विथ माई फादर इन द इवनिंग at the होटल, I eat apple with my father in the evening at the hotel along with other friends. You can बनाते जा सकते हैं, तो आपको सिंपल सेंटेंस जैसे कॉम्पाउंड सेंटेंस बनेंगे, तो इसी जैसे यू शुड अचीव समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, दैट यू शुड इम्प्रूव दैट स्किल, सो यू शुड हैव अ प्लान। एवरीबडी हु इज सिटिंग इन दिस क्लास, हु हैव कम टू दिस प्रोग्राम, should set their goals straight, should redefine their goal. We should achieve something in our life, and that should be very specific, that should be time bound, we should attain that, we should have a specific plan how we can reach that area. So those who are students here, not in the career, anybody doing government jobs here, please raise your hands. गवर्नमेंट जॉब कोई कर रहे हैं तो किस में है, प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं और आगे जाना चाहते हैं या प्राइमरी स्कूल में टीचर बन के रहना चाहते हैं, वेरी गुड। मैं ये बुरा नहीं है, मतलब प्राइमरी स्कूल में उसको और उसके ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैं प्राइमरी स्कूल में जो इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट, यू कैन बिकम वन ऑफ द बेस्ट ब्रिलियंट प्राइमरी स्कूल टीचर। सो अभी वो प्राइमरी स्कूल टीचर है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दैट एज एन एग्जाम्पल, सो हाउ वी आई कैन दो नाउ आई हैव रीच द प्लेस, सो इट्स नॉट द डेड एंड। अगर हमने जॉब मिला, लोग बोलते हैं जॉब मिलना, जॉब मिलने तक बहुत काम है, जॉब मिला तो काम नहीं है, हमारे केरल में बोलते हैं, इधर बोलते हैं, नहीं पता नहीं, जॉब मिल जो अभी जॉब मिलते हैं तो अभी हमें सोचना है अब मेरा जॉब हो गया, इस जॉब में मुझे क्या क्या अचीव करना है। तो हर एक बच्चे हमारे पास जो आते हैं वो हमारे पास फाइल है, हर बच्चे का इम्प्रूवमेंट हमारे पास फाइल है, कितने बच्चे के बारे में आप पढ़ा, कितने बच्चे को आप रास्ता दिखाया, तो रोज़ आप इस इन आज में इतने बच्चों का फ्यूचर का आई विल डू माई सिग्नेचर ऑन देयर लाइफ, सो देर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन अचीव इन योर लाइफ। और अभी आप एजुकेशन में ले रहे हैं, आपको बहुत सारे चीज़ों के बारे में नॉलेज बना सकते हैं जहां आपको पहुंचना है। अब अगर आप डिग्री पास नहीं किए तो डिग्री पास करना उसका एक गोल्स कर सकते हैं, डिग्री पास करके क्यों करना है उसको आपको डिफाइन करना है। आपको गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, बहुत सारे मिशन में आपको जा सकते हैं, अपने आप को बाकी लोगों को कैसे मदद पहुँचा सकते हैं उसके बारे में सोच सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं हमारे ज़िंदगी में हमको कर सकते हैं। मुझे याद नहीं, पिछले बार मैं जब आया था, मैं एक हरेकला हज्जब्बा नाम में एक आदमी, आप सुने हैं हरेकला हज्जब्बा, जो मंगलूर के हैं,
वो एक आदमी है संतरा बेचते हैं, सर पे क्या बोलते हैं संतरा किस चीज में रखता है, क्या बास्केट में संतरा बेचते हैं। मंगलुरु टाउन में वो चल के संतरा बेचते थे, अभी भी बेचता है वो। वो एक गांव में, गांव से आ रहे, उस गांव में स्कूल नहीं है, बच्चे अक्सर बच्चे नहीं पढ़ते हैं, और जो बच्चे जिसका पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं वो दूर जाके पढ़ाते हैं, रोज मुश्किल से वापस आते हैं, कोई 5 साल के बच्चे भी किसी दूर टाउन में हॉस्टल में रहना पड़ता है। वो एक संतरा बेचते हैं हर दिन, जितना अगर 100 रुपये का संतरा बेचेगा वो 80 रुपये घर के लिए रखेगा, बाकी 20 रुपये बचाएगा। और वो अपने गांव में स्कूल शुरू किया, वो खुद पढ़ना लिखना नहीं आता है उसको, स्कूल शुरू किया और वो बच्चों से वो भी पढ़ना शुरू किया। अभी उनको बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह मिले थे, हर एक ला है जब्बा का स्कूल अपने गांव में बहुत बड़ा स्कूल शुरू किया, सारे बच्चों को पढ़ाने को कोशिश किया। आसाम में करीमगंज में एक आदमी है, करीमगंज में साइकिल रिक्शा चलाते हैं और उसके साथ 8 स्कूल भी चलाते हैं, वो खुद बनाया है 8 स्कूल साइकिल रिक्शा वाला। तो मैं क्यों ये इसके बारे में बताया, जिंदगी में ये नहीं सोचना है मेरे पास अगर सर्टिफिकेट है तो मुझे पूछ सकते हैं। हम हर एक आदमी के बारे में, ख़ास तौर पर हम मुसलमान के पिचाई के बात कर रहे हैं, तो हम हर एक आदमी हमारे ज़िंदगी में कुछ तो कुछ करने के लिए, हमारे एजुकेशन में आगे बढ़ के कर सकते हैं, बिजनेस में आगे बढ़ के कर सकते हैं, सोशल सर्विस में आगे बढ़ के कर सकते हैं, और सारे बहुत सारे एरियाज में, एजुकेशन में बहुत सारे एरियाज हैं। अगर आप अच्छा किसान बनना चाहते हैं तब भी आपको अभी भी कोशिश कर सकते हैं, किसान का पढ़ाई कहाँ अच्छा मिलता है उसके बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। तो रास्ता बताना, समझना, उसका नॉलेज होना गोल सेटिंग में एक अहम है। इफ़ यू वांट, आई वाज थिंकिंग टू डू समथिंग लाइक प्रैक्टिकली ऑल यू वांट एवरीबडी, हर एक आदमी, आप में से हर एक आदमी क्या क्या अपना ज़िंदगी में करना चाहते हैं और क्या बदलाव अपना ज़िंदगी में करना चाहते हैं। कम से कम आपको मैं एक सोच देना चाहता हूँ अब इस टाइम में, तो हमारे पास ज़िंदगी में, ज़िंदगी के लिए एक प्लान होना चाहिए, हर साल के लिए एक प्लान होना चाहिए, मंथली हमारा एक प्लान होना चाहिए, वीकली हमारा एक प्लान होना चाहिए, डेली हमारा एक प्लान होना चाहिए। जब हम सोने जाएंगे, व्हेन यू गो टू स्लीप, व्हेन यू गो टू योर बेड, यू शुड गो विथ वुज़ू, यू शुड गो आफ्टर टेकिंग ब्रश, ब्रशिंग योर टीथ, एंड यू शुड पुट योर राइट हैंड, राइट चीक ऑन योर राइट हैंड एंड टर्न योर राइट साइड, that is the sunnah of prophet sallallahu alaihi wasallam, to sleep. And you should think, ask yourself, hasibu qabla an tuhasabu, aapke upar jab hisab aayega qiyamah ke din uske pehle khud ko hisab karna hai, to daily hisab should be there since the morning, at the end of the day, till I go to bed, what all thing I have done, meri biwi ke sath mere sulook kaise tha, मेरे दोस्तों के साथ कैसे था, बाप माँ बाप के साथ क्या किया, उनके लिए क्या किया, फैमिली के लिए क्या किया, दोस्त के लिए क्या किया, मेरे ज़िंदगी में मैं क्या किया, मेरा फाइनेंस कैसे रहा, मेरा सुलूक कैसे रहा, बात कैसे रहा। तो इन द मॉर्निंग यू शुड हैव अ थॉट अबाउट द डे, दैट 5 मिनट आप ले लीजिए, 5 मिनट आप ले लीजिए, आप आज मुझे क्या क्या करना है। जब तक हमारे ज़िंदगी में रूटीन नहीं आएगा, यू शुड रीडिफाइन अ रूटीन फॉर योर लाइफ, नहीं तो हम ऐसे ही रह जाएंगे। कितने वीडियो देखेंगे मोबाइल में, कितने ऐप्स डाउनलोड करेंगे आप, इफ यू काउंट हाउ मच टाइम यू आर गिविंग फॉर योर मोबाइल, कितना टाइम दे रहा है, जस्ट काउंट, 8 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स, यू हैव 24 आवर इन द डे, 6 to 7 आवर्स यू माइट बी स्लीपिंग, एंड मे बी इफ यू ऑफर नमाज इन टाइम, maybe giving that for another hour, and people have even the habit of taking the mobile even to the bathroom. खाने के वक्त तो बोलना है, यही हो रहा है। तो how much time you are giving, and what you are seeing in, even with mobile, people are making billions of
rupees and we are giving billions of rupees. If you give a like on the Facebook, and it's a income for many. So what we have done, this will not end for us. There are thousands of lakhs of millions of, okay, I'm just putting an end. There are millions of apps, millions of even billions of videos on YouTube and other websites. You cannot watch it in your life. आपको कभी वो देख के खत्म नहीं कर सकते. सो यू शुड हैव अ प्लान हाउ मच टाइम आई शुड स्पेंड फॉर दिस, बिकॉज खास तौर पर दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम ऑफ आवर लाइफ. इट्स आवर यूथफुलनेस, इट्स आवर टाइम. वी नीड टू इम्प्रूव आवर रीडिंग, वी नीड टू इम्प्रूव आवर लैंग्वेज, वी नीड टू गिव टाइम फॉर आवर फैमिली, वी नीड टू गिव टाइम विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर जॉब. वाट एवर जॉब यू आर डूइंग, यू नीड टू, देर इज, अगर आप एक जॉब करते हैं, आपको एक सैलरी दे रहा है कोई, उसका एक अमानत है, अमानत जिसको इस्लाम में बहुत मानता है, तो अमानत आप निभाना नहीं सकते. तो इसीलिए ख़ास तौर पर इस ज़माने में, जब हम इस मोबाइल फ़ोन के ज़माने में, सोशल नेटवर्क के ज़माने में, ऐप्स के एप्लीकेशंस के ज़माने में, ख़ास तौर पर वी शुड हैव अ, वी शुड रीडिफाइन आवर रूटीन, वी शुड हैव अ रूटीन, शुड गिव सम टाइम टू थिंक अबाउट आवर सेल्फ. What I should earn this day, what, how I should spend my week. So set a goal, maybe something like I will visit my auntie. So put it in a plan, just think, make a note, what all things that you have to do. I have to reach in Bangalore office at 11 o'clock, that there is a program, so make arrangement according to that. I was thinking I have to spend 2 days here. So my train was yesterday in the morning. Mansoor came and picked me, and Monday morning I have to travel. I'll reach in Calicut at 2 o'clock. The next day I have to travel another way. So I should plan accordingly, because if I come late, you all are here, 100 people or 50 people are here. If I come late, 10 minutes late, so how much time kitne time mein late ho gaya? 10 into 50, 500 minutes I am late. Because I have exhausted all everybody. आप एक एक आदमी का 10 मिनट मैंने लिया है, 50 आदमी का 10 मिनट मतलब 500 मिनट आई एम लेट. सो जिंदगी में आप प्लान बनाइए, प्लान के साथ अगर नया कुछ करने को सोचिए, अटेनेबल गोल बनाइए, वो अच्छी तरह हमें कोशिश करके अच्छा प्लान्स बनाइए. दूसरों को जिंदगी में जितना हमें अफेक्ट कर सकते हैं, इंफ्लुएंस कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उतने तक हम सोचिए. जहाँ तक हम काम करेंगे, वहाँ तक मुस्लिम उम्मत को हमें पहुँचा सकते हैं. अगर हम भी ऐसे ही रह जाएंगे, कोई नहीं होगा इस उम्मत को आगे लेके जाने, डेवलपमेंट की तरफ लेके जाने. इंशाल्लाह हमें कोशिश करना है, हर जगह हमें पहुँचना है, दूसरों को पहुँचाना है, दूसरों से पूछते रहना है, क्या पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, कहाँ तक पहुँचना है. इस सवाल हम दूसरों से ही, दूसरों से भी इंशाल्लाह, यू शुड कीप आस्किंग दिस सेम क्वेश्चंस टू अदर्स एंड मोटिवेट देम. इंशाल्लाह वी शुड कीप मोटिवेटिंग ऑल आवर बॉयज एंड गर्ल्स, ऑल आवर स्टूडेंट्स. इंशाल्लाह दे विल बी मोटिवेटेड एंड वी विल हैव अ ग्रेट फ्यूचर इन इंडिया एंड द वर्ल्ड. इंशाल्लाह एंड वी कैन प्रेजेंट आवर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अल्लाह इन अ बेटर वे, एंड वी शुड स्ट्राइव फॉर दैट. वा आखिर दवा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. थैंक यू फॉर गिविंग मी द चांस.